जयमल जी की 517वीं जयंती मनाई गई है। हर साल वर्ष मनाते हैं, इस साल 517वीं जयंती थी। इसमें मुख्य अतिथि उन्होंने बुलाया था राजेंद्र राठौर को, उन्होंने किसी भी कारणों से उनका आना नहीं हुआ। इस अध्यक्षता हमारे जिला प्रमुख अजमेर सुशील कुमार पलाड़ा ने की। इसी अतिथि को धर्मेंद्र सिंह जी पूर्व अध्यक्ष RTDC राजस्थान, भवन सिंह जी पलाड़ा समाजसेवी और विशेष तौर से युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी श्री विधायक आदि बता रहे, और कुछ हमारे जिले के प्रधान और कुछ नगर मान नागरिकों ने भाग लिया था, वो अतिथि के रूप में बता रहे थे। ये वही हम हर वर्ष करते हैं, हर साल जो मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। अभी जो कुछ सुझाव आए उस पर भी हमने समाज की तरफ एक सुझाव आए हैं कि अब हमको सबकी मदद करनी चाहिए। तो हम सबकी सभी लोगों को हमारे समाज के साथ साथ हमारी इच्छा है कि हमारे समाजों के 36 कौम के कोई भी गरीब गुरबा हमारे पास आता है और हम उसका हमारे पास जो फंड है उसमें से अवेलेबल है, हम उसको मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को दिया, सभी विसर्जन किया। करीब करीब सभी जिले सभी पंचायत समिति से सभी विधानसभा किशनगढ़ से आए हैं, रूपनगढ़ से आए हैं, खेकड़ी से आए हैं, सरवार से आए हैं, ब्यावर से आए हैं, किसानगंज से आए, बिनाय से आए हैं। जिस प्रकार जयमल जी ने सबको साथ लेकर के सारे समाज के 36 कौम को साथ लेकर के जिस प्रकार से समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें भी राजपूत भाइयों से निवेदन है कि आपको भी समाज का कोई भी गरीब गुरबा कोई भी गरीब है उसकी मदद करनी है। और हमको जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने मदद करी उसी प्रकार से हमको भी उसी पे चलना है। जयमल जी की 517वीं जयंती मनाई गई है, हर साल वर्ष मनाते हैं, इस साल 517वीं जयंती थी। इसमें मुख्य अतिथि उन्होंने बुलाया था राजेंद्र राठौड़ को, उन्होंने किसी भी कारणों से उनका आना नहीं हुआ। इस अध्यक्षता हमारे जिला प्रमुख अजमेर सुशील कुमार पलाड़ा ने की। इसी अतिथि को धर्मेंद्र सिंह जी पूर्व अध्यक्ष RTDC राजस्थान, भवन सिंह जी पलाड़ा समाजसेवी और विशेष तौर से युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी श्री विधायक आदि बता रहे थे, और कुछ हमारे जिले के प्रधान और कुछ नगर मान नागरिकों ने भाग लिया था, वो अतिथि के रूप में बता रहे थे। ये वही हम हर वर्ष करते हैं, हर साल जो मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। अभी जो कुछ सुझाव आए उस पर भी हमने समाज की तरफ एक सुझाव आए हैं कि अब हमको सबकी मदद करनी चाहिए। तो हम सबकी सभी लोगों को हमारे समाज के साथ साथ हमारी इच्छा है कि हमारे समाजों के 36 कौम के कोई भी गरीब गुरबा हमारे पास आता है और हम उसका हमारे पास जो फंड है उसमें से अवेलेबल है, हम उसको मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को दिया, सभी विसर्जन किया। करीब करीब सभी जिले सभी पंचायत समिति से सभी विधानसभा किशनगढ़ से आए हैं, रूपनगढ़ से आए हैं, खेकड़ी से आए हैं, सरवार से आए हैं, ब्यावर से आए हैं, किशनगंज से आए, बिनाय से आए। जिस प्रकार जयमल जी ने सबको साथ लेकर के सारे समाज के 36 कौम को साथ लेकर के जिस प्रकार से समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, उसी प्रकार हमें भी राजपूत भाइयों से निवेदन है कि आप लोगों को भी समाज का कोई भी गरीब गुरबा कोई भी गरीब है उसकी मदद करनी है। और हमको जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने मदद करी उसी प्रकार से हमको भी उसी पे चलना चाहिए।